नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और आपकी पढ़ाई को इजी बनाने के लिए और को सपोर्ट करने के लिए हम इस चैनल पे साइंस सब्जेक्ट के वीडियो डाल रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट टाइम पे मिल सके। और आपको अकाउंट में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे मेंशन है उस पर। आप लोग को कोई सम नहीं समझ में आ रहा या किसी कंसेप्ट में डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करें। हम अपने प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप बेसिक्स के क्वेश्चन ही कर रहे थे, जो हमने 37th क्वेश्चन तक कम्प्लीट कर लिया है। आज हम उसके आगे चलेंगे, ठीक है? ओके जी, चलो 38th क्वेश्चन से अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, ओके बच्चा, स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है? चलो 38th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और साथ में मिलके सॉल्व करते हैं। हाँ, मैं अकेले नहीं करूंगी, आप सबको मिलके मेरे साथ इस हमको सॉल्व करना है, ठीक है? चलो 38th क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली। हैरी पॉटर अली कहां से आ गया उसमें? इनको सम भी बनाना है तो पूरे कैरेक्टर्स तो ले, और एक कैरेक्टर को दो कर दिया, ठीक है? हैरी पॉटर एंड अली, ठीक है? किस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करें? 2:2:1 में, ठीक है बाबा? अली वांट्स, ठीक है, अली को चाहिए दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट विथ हैरी एंड पॉटर, एंड ही फर्दर विशेस दैट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इन टू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर। हैरी एंड पॉटर हैव एग्रीमेंट ऑन दिस अकाउंट, मतलब इस बात पे उन्होंने एग्री कर लिया, ठीक है जी? प्रॉफिट जो लास्ट 3 इयर्स के हैं वो ये दिए हुए हैं। ओके 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 ओके, 2:2:1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2:2:1, ठीक है। हमें एडजस्टमेंट दिखाना है सिंगल जनरल एंट्री से। देखो अब मेरी बात सुनो अच्छा, हैरी पॉटर एंड अली, ठीक है, ये तीन पार्टनर्स हैं, ये अच्छा भला 2:2:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ठीक है? ओके, अब अली के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने बोला ये दोनों को तो 2:2 मिल रहा है, मुझे 1, ऐसा कैसे, मैं क्यों पीछे रहूं? तो अली गया ये हैरी और पॉटर के पास, उसने बोला हैरी और पॉटर सुनो सुनो मेरी बात, मुझे भी इक्वल शेयर चाहिए, तुम दोनों जितना ही शेयर चाहिए, मैं भी इक्वल मेहनत करता हूँ, मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मुझे कम शेयर क्यों दे रहे हो, मुझे इक्वल शेयर चाहिए। अच्छा, तो हैरी पॉटर ने बोला अच्छा, और इसने अली ने बोला ये ही नहीं, मुझे इक्वल शेयर तो चाहिए लेकिन अब से नहीं, पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट बढ़ चुका है ना, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो पहले हो चुका है, मतलब पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट 2:2:1 के रेशियो में बटा है ना, सही नहीं है, मुझे जो मेरा ये इक्वल शेयर है वो इस साल से नहीं पिछले 3 साल का भी चाहिए। हैरी पॉटर ने बोला क्या बोल रहे हो, वो तो हो गए। नहीं हो गए तो क्या हुआ, तुमने ज्यादा प्रॉफिट क्यों उठाया, मुझे प्रीवियस इयर्स का भी वो प्रॉफिट इक्वल शेयर में चाहिए, पिछले 3 साल का, उससे ज्यादा नहीं जाने दे रहे। वो बोल रहा था पिछले कितने साल का, पिछले 3 साल का। अली ठीक है बोल रहा है, मैं पिछले 3 साल तक एडजस्ट कर सकता हूँ, पिछले 3 साल का मुझे इक्वल शेयर चाहिए। हैरी पॉटर सोच में पड़ गए, क्या करें क्या करें, पर उन्होंने बोला एग्री करना ही पड़ेगा, अली बड़े काम का बंदा है भाई, एग्री करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये है कहानी इस क्वेश्चन की, कि ये ना 2:2:1 का शेयर था, पर अली ने बोला मेरे को अब इक्वल शेयर चाहिए, मतलब अब न्याय रेशियो क्या होगा, 1:1:1, तीनों का बराबर हिस्सा, तीनों का बराबर हिस्सा मतलब 1:1:1, ठीक है, तीनों का इक्वल शेयर। और कब से होगा, इस साल से नहीं, पिछले 3 साल से होगा। अब क्या करें भाई, इस साल हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। कैसे एडजस्ट करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो कहाँ जाता है, अल्टीमेटली कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो अब ये भी जो भी एडजस्टमेंट होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। इतना क्लियर? ओके चलो अब आ जाओ, देखो अब हम करते हैं इसे, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है? मैं डेटा लिख देती हूँ बेटा एक बार,
ओके आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आ गए सब। ठीक है चलो मेरे साथ मिलकर सॉल्व करो। अब मतलब क्या हुआ होगा, वो बोल रहा है कि मुझे पिछले 3 साल का भी प्रॉफिट इक्वल चाहिए, लेकिन ये 3ों साल का प्रॉफिट किस रेशियो में बटा है, इसमें 2:2:1 के रेशियो में। लेकिन वो बोल रहा है मेरे को मेरा जो चेंज है प्रॉफिट शेयरिंग में वो रेट्रोस्पेक्टिव चाहिए, मतलब ये 3 साल का भी प्रॉफिट मुझे इक्वल होना चाहिए था, मतलब 1:1 के रेशियो में बटना चाहिए था। तो अब क्या हुआ है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, पार्टनर कौन है, हैरी पॉटर एंड अली है ना। पर्टिकुलर्स, हैरी पॉटर, अली। ठीक है, तो ये 14-15 का जो प्रॉफिट है कितना, 22,000। ठीक है, 15-16 का है 24,000, 16-17 का है 29,000। किस रेशियो में बटा है, 2:1 के रेशियो में, मतलब 22,000 किस रेशियो में बटा है, 2:4:5। हम वैसे एक साथ कर देते लेकिन बेटा एग्जाम में कुछ प्रेजेंटेशन भी दिखानी होती है ना, इसलिए मैं हर साल का करूँ। वैसे तो टोटल करके 2:2:1 के रेशियो में बांट दे, बात तो बराबर ही होगी है ना, है कि नहीं। ठीक है, पर है ना हमको कुछ प्रेजेंटेशन करना होता है इसलिए हम अलग अलग बांट रहे हैं। ठीक है बाबा, कितना हो गया, 8,800। चलो नहीं, एक साथ बांटते हैं इसको, ज्यादा इजी पड़ जाएगा ना, इतना टफ क्यों करना है हमें, है ना। अब छोटा क्वेश्चन दिया है तो दिया है, हम क्या करें, एक साथ ही बांट देते हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 22,000 प्लस 24,000 प्लस 29,000, 75,000। इसमें देखो मैंने पता है क्यों बताया, आगे एक सम आएगा उसमें क्या होगा, हर साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग होगा, तो उस केस में हर साल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, इसलिए प्रेजेंटेशन लंबी होती। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, हर साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज थोड़ी ना हो रहा है, पिछले 3 साल का सेम है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:2:1, मतलब ये पूरे 75,000 2:2:1 के रेशियो में तो बटे हैं है ना, तो बांट दो इनको। वो वाला समझिए, तो मैं सेम प्रेजेंटेशन करना चाह रही थी, बट अब ये इजी है तो मैं एक तरीके से ही कर देते हैं फिर। चलो 30,000, 15,000, ओके जी, ऐसे बटा है, मतलब इतना इतना कैपिटल इन 3ों पार्टनर्स का क्रेडिट हुआ है, लेकिन करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अली क्या बोल रहा है, इक्वल बटना चाहिए, मतलब पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ है टोटल 75,000, ये इक्वल बटना चाहिए, मतलब 3ों को मिलना चाहिए था 25,000, 25,000, 25,000। ठीक है, ओके, मतलब हैरी का कैपिटल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हुआ होगा, जो 25,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। हैरी का कैपिटल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हुआ है, जो 25,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, मतलब 5,000 से अब इसे करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि तो ज्यादा क्रेडिट हो गया ना। वैसे ही पॉटर का अकाउंट भी 30,000 से क्रेडिट हो गया है, जो होना चाहिए था 25,000 से, अकॉर्डिंग टू इक्वल रेशियो, जो बात पर हैरी और पॉटर एग्री कर गए हैं कि हाँ अली हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, तुम्हें हम पिछले 3 साल से इक्वल शेयर देने के लिए तैयार हैं, पर ये प्रॉफिट तो बढ़ चुका है, कहाँ जा चुका है, कैपिटल में, तो अब एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से ही होगा। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट पिछले 3 साल का बटा है उससे पॉटर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 30,000 से, जबकि होना कितने से चाहिए था, 25,000 से, तो भाई 5,000 से इसके कैपिटल को कम करो, मतलब डेबिट। और अली का कैपिटल अकाउंट 15,000 से क्रेडिट हो गया है, ठीक है, लेकिन होना कितने से चाहिए था, 25,000 से कम क्रेडिट हुआ है, तो अली के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 10,000 से। ठीक है जी, अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करेंगे अपन, हैरी का कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट 5,000 से, पॉटर का कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट 5,000 से,
अली का कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट 10,000 से, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। डन, ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। समझ गए सबके सब? ठीक है, ओके, चल अब बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन क्या करता है? मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 3:2, 3:2, दो ही पार्टनर्स है ना, ठीक है, 3:2 में। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में क्या दिया है? मनु की कैपिटल इतनी है, सृष्टि की कैपिटल इतनी है, असेट्स इतने हैं, मनु और सृष्टि ने ड्रॉइंग करी है इतनी। वैसे ये अलग से दे दिया है ड्रॉइंग, पर हम लोग वैसे क्या करते हैं, कैपिटल में से ड्रॉइंग माइनस करके नेट इफेक्ट दिखाते हैं ना। हमने देखा है ड्रॉइंग्स हम क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, है ना, पर इसमें नहीं करी है डेबिट, इसलिए वो इस साइड दिख रही है। अभी तक ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करी है, इसीलिए वो दिख रही है, ठीक है, ओके। अब क्या लिखा हुआ है? जो प्रॉफिट है 31/17 का 5,000, which was divided in the agreed ratio, agreed ratio, agreed ratio by 3:2 है ना, ठीक है, तो 5,000 मनु एंड सृष्टि को जो उन्होंने रेशियो एग्री किया उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, खुशी की बात है। अब क्या करें? बट इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन ड्रॉइंग वॉज ओमिटेड। प्रॉफिट में से ड्रॉइंग का इंटरेस्ट और कैपिटल का इंटरेस्ट अभी तक एडजस्ट ही नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए। प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बढ़ता है? पहले जो पीएनएल से प्रॉफिट आया है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से मिल रहा है तो वो क्रेडिट हो जाता है, फिर अगर पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं दे दो, कुछ सैलरी दे रहे हैं दे दो, फिर जो नेट बैलेंस है एज प्रॉफिट वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर यहाँ तो इन्होंने सीधा सीधा 5,000 पीएनएल से आए और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, गलत किया ना, है ना, गलत किया ना। इनको पहले उस 5,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडजस्ट करना चाहिए था, फिर करना चाहिए था, इन्होंने नहीं करा, गलत बात है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ओके ओके जी, ठीक है जी। और क्या है इसमें? ठीक है, बस यही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें यही है, ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट है, ओके। अब पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना, अब सुनना अच्छे अच्छे से, इसमें पता है दो फैक्टर्स हैं। देखो जी, इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे कैसे? ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है, इसमें दी है क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें दो चीजें करनी है, पहली चीज क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा, पहली चीज तो ये करनी है। हाँ, करनी तो पड़ेगी ना, जो चीज करनी है करनी तो पड़ेगी बेटा, कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? नहीं ना, करना पड़ेगा, ठीक है, तो पहला चीज तो ये करना पड़ेगा। दूसरा चीज फिर रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन का आएगा, रेक्टिफिकेशन की गलत प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट होगा फिर प्रॉफिट जाएगा। तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो पड़ेगा, उसके लिए ओपनिंग कैपिटल निकालो, पहला चीज ये करेंगे, दूसरा रेक्टिफिकेशन करेंगे। इसमें कंबाइन ये दो चीज जो हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल कर चुके हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के हम सम कर चुके हैं, रेक्टिफिकेशन का सम हम कर चुके हैं, अब दो पॉइंट को मिक्स करके इन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी, ओके जी। पहले पहले मुझे सारा डेटा लिखना पड़ेगा, है ना, चलो मैं सारा डेटा लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन का। मनु एंड सृष्टि का कैपिटल कितना है? 30,000, 10,000। इनकी ड्रॉइंग्स कितनी है मनु एंड सृष्टि की? बाबा 4,000, 2,000। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 5,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 6%, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने महीनों की लगनी है? 6 महीनों की, साफ साफ दिया है।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स। अब उस बेसिस पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेनी है 6 महीने। ओके जी बाबा, आ जाओ जी, इस सम को करते हैं ना हम अच्छे से, क्यों नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे सम को, ठीक है। ओके अब ध्यान से सुनना, अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बाबा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालें, कैसे निकालें, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्लोजिंग कैपिटल में जो जो इफेक्ट आए हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट इसमें ऐड हुआ होगा तो हटाओ, लेस करो ताकि ओपनिंग पे आ जाए। ड्रॉइंग इसमें से माइनस हुई होंगी तो ऐड करो, ताकि यही करते थे हम, ताकि हम अपने ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएं, ठीक है। अब आता है इसमें ट्विस्ट। मैम क्या ट्विस्ट? प्रॉफिट तो इसमें एडजस्ट हो गया है, कैपिटल अकाउंट में हो गया है एडजस्ट, ठीक है, 5,000 का, तो वो अब माइनस होगा ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए। लेकिन ड्रॉइंग इसमें एडजस्ट नहीं हुई है, इसीलिए एड नहीं होगी। कैसे कह रहे हैं मैम? ऐसे कह रही हूं मैं, बैलेंस शीट में कैपिटल अलग दिया था, ड्रॉइंग डेबिट साइड पे अलग दिया है। इसका मतलब क्या है? मैंने बताया क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि ड्रॉइंग अभी कैपिटल अकाउंट में गई ही नहीं है। जब गई ही नहीं है तो उसका इफेक्ट काय को दोगे आप, ठीक है। तो सिर्फ एक इफेक्ट देना है, क्या? क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट हटा दो तो आप किस पर पहुंच जाओगे? ओपनिंग कैपिटल पे। ओके अब आते हैं मेरे फाइनल नोट्स जो मैं इस क्वेश्चन में बनाऊंगी, ठीक है। कुछ डिफरेंट पेन यूज करती हूँ मैं, ब्लू पेन, ठीक है। पहला नोट मैं क्या बनाऊंगी, किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये 5,000 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3:2 मतलब 5, 3,000, 2,000, ठीक है ठीक है ठीक है। सेकेंड नोट बनाऊंगी मैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करूंगी मैं भाई? यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखूंगी, यहाँ पे मनु लिखूंगी, यहाँ पे सृष्टि लिखूंगी। इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 30,000 का दिया है, 10,000 का दिया है। इसमें से प्रॉफिट एडजस्टेड माइनस करूंगी कितना, 3,000 और 2,000, तो कितना आ गया, 27,000 और 8,000। ये हो गया मेरा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ड्रॉइंग एडजस्ट नहीं करूंगी क्योंकि एडजस्ट हुई ही नहीं है क्लोजिंग कैपिटल में, ड्रॉइंग अलग से डेबिट में दिख रही है, अभी तक एडजस्ट नहीं हुई है। डेबिट में दिख रही है मतलब उसका बैलेंस अभी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा ही नहीं है, तभी तो अलग से दिख रहा है। एंट्री क्या हुई होगी, एंट्री क्या होगी, पैसे निकाल के ले गए, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग टू कैश, तो ड्रॉइंग डेबिट, वो दिख रही है असेट साइड में, अभी तक कैपिटल में ट्रांसफर हुई ही नहीं है, तो मैं एडजस्टमेंट क्यों करूंगी, ठीक है। ओके मेरा आ गया ओपनिंग कैपिटल, मजा आ गया, ठीक है। अब मैं बनाऊंगी अपना थर्ड नोट, ठीक है, जो मैं एक सेकेंड बच्चा लो अपना थर्ड नोट मैं बनाऊंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 5% का इंटरेस्ट था, ठीक है। ओके ठीक है जी, हाँ, तो मनु है, सृष्टि है, ओपनिंग बैलेंस है 27,000 8,000, 5% का रेट निकालो कितना आएगा, 2700 का आधा कितना होता है बच्चा लो, 1350, ठीक है। 8,000 का 800 400, ठीक है। ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलो अब फोर्थ नोट में बनाऊंगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, ड्रॉइंग का बनाऊंगी। ड्रॉइंग कितनी है बेटा, हमने लिखी है ना, कितनी है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग नहीं लिखी, हाँ ड्रॉइंग लिखी है ना, 4,000 और 2,000, और 6% का रेट लगाना है, 6 महीने के लिए लगाना है, ठीक है। मनु एंड सृष्टि, 4,000 2,000, 6% 6 महीने के लिए, 6% 6 महीने के लिए आ गया। 4,000 का 6% ज्यादा कितना होता है, डिवाइड बाय 2,
120, ठीक है, 60, ये आ गया ड्राइंग का इंटरेस्ट। अब बनाऊंगी, क्या बनाओगे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। क्यों भाई, फाइनल कितना प्रॉफिट पार्टनर्स में जाना चाहिए था वो नहीं निकालूंगी मैं, ठीक है? बाय पी एंड एल कितना है? 5,000 बाय इंटरेस्ट मनु 50, 120 60, टू इंटरेस्ट मनु 50 कितना है? 1,350 400, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5,000 प्लस 180 माइनस 1,350 माइनस 400, 3,430, ठीक है? क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर मनु सृष्टि को ये 3,430 जो दोनों का टोटल आ रहा है, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ 3,430, ये मैंने फाइनल टोटल नहीं किया है, प्रॉफिट का टोटल 3,430 जो बैलेंस बच रहा है वो दोनों में जाएगा, मतलब कितना जाएगा? 2,058 माइनस 3,430, 1,372, ओके इतना जाएगा, ठीक है ना? तो टोटल क्या हो गया? 1,350 प्लस 400 प्लस 3,430, टोटल कितना हो गया? 5,180, यही आना था, 5,500। ये लो, ये मेरे सारे नोट्स प्रिपेयर हो गए, सारे के सारे नोट्स। देखो दोबारा दिखा देती हूँ सारे के सारे नोट्स, आ जाओ सब बच्चा लोग, ठीक है? ये तो मैंने डेटा लिखा है, उसका कुछ नहीं है। पहले मैंने क्या कर दिया है, 5,000 रुपए बिना कोई एडजस्टमेंट किए 3,000 और 2,000 3:2 के रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये गलती मैं कर चुकी हूँ, ठीक है? तो इस वजह से क्या हो रहा होगा, बैलेंस शीट में मेरा जो बैलेंस दिख रहा है 31 मार्च का है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है कैपिटल का 30,000 और 10,000, इसमें प्रॉफिट ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन मुझे ओपनिंग निकालना है, मतलब प्रॉफिट इसमें क्रेडिट हो चुका है, मुझे डेबिट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी मैं ओपनिंग बैलेंस में पहुंच पाऊंगी ना। तो मैंने 3,000 और 2,000 माइनस किए, तो ओपनिंग आ गया 27,000 और 8,000। ड्रॉइंग मैंने इसमें प्लस नहीं किया क्योंकि ड्रॉइंग इसमें से माइनस ही नहीं हुई है, ड्रॉइंग का तो बैलेंस शीट में अलग से डेबिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब कैपिटल में जब वो माइनस ही नहीं हुई है तो उसमें ऐड क्यों होंगी, इसलिए ड्रॉइंग का कोई एडजस्टमेंट ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैंने नहीं किया, ठीक है? अब मैंने इस पर डायरेक्ट 5% का इंटरेस्ट लगाया, 27,000 पे 5% लगाया 1,350 आया, 8,000 पे 5% लगाया 400 आया, ओके बच्चा, ठीक है? फिर मैंने नोट बनाया ड्रॉइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, 4,000 और 2,000 की ड्रॉइंग है, 6% का रेट लगेगा 6 महीने के लिए, साफ साफ क्वेश्चन में दिया है, तो 120 और 60 का इंटरेस्ट आ गया। फिर मैं करेक्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाऊंगी, जिसमें मैंने 5,000 का प्रॉफिट उठाया, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट पार्टनर से मिल रहा है इसलिए क्रेडिट होगा 120 और 60, उसमें से अब मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 1,350 और 400 का, ठीक है, ये दे दिया, तो मेरे पास कितना बच गया? 3,430 का, 5,180 में से मैंने 1,350 400 दे दिए, तो नेट बैलेंस मेरे पास प्रॉफिट का कितना आ गया? 3,430। ये दोनों पार्टनर्स मनु एंड सृष्टि को मिल जाएगा किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 3:2, क्या है वो? 2,058 और 1,372, देख लो ध्यान से एक सेकेंड। विजिबिलिटी है पूरी, ठीक है, ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है, बाकी नोट्स भी सबको विजिबल हुए बच्चा? एक बार मैं दिखा दूं सारे नोट्स, देखो ये है फेयर नोट्स जो दिखाने हैं, यहां से सारे नोट्स हैं, ठीक है, ये 1, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। अब यहाँ मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, ये आप पहले भी बना सकते हो बाद में भी बना सकते हो, ठीक है। अब फेयर, ये सारा भी फेयर था पर ये नोट था, अब जो मेन सॉल्यूशन है वो कैसे करूंगी मैं, वो मैंने आपको बताया है, एक टेबल बनाऊंगी मैं, पर्टिकुलर्स मनु सृष्टि प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड कितना? 3,000 और 2,000, मतलब मैंने कैपिटल को 3,000 और 2,000 से क्रेडिट कर दिया, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या क्या होना चाहिए था? पहले
पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1350 और 400 क्रेडिट होना चाहिए था। सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ रहा है वो 120 डेबिट होना चाहिए था और इधर 60 डेबिट होना चाहिए था। फिर प्रॉफिट कितना प्रॉफिट 2058 क्रेडिट होना चाहिए था, 1372 क्रेडिट होना चाहिए था। तो मतलब कितना आ रहा है ये 2058 प्लस 1350 माइनस 120 दैट इज 3288। अच्छा ठीक है, और इधर कितना आ रहा है 400 प्लस 1372 माइनस 60 1712। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर मैंने बनाया प्रॉफिट गलत, जो क्रेडिट क्या हो गया 3000 और 2000। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होना चाहिए था, प्रॉफिट इतना नेट प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए था। मतलब एक्चुअल में मनु का कैपिटल अकाउंट 3288 से क्रेडिट होना चाहिए था जो सिर्फ 3000 से क्रेडिट हुआ है, तो 288 से और क्रेडिट करेंगे। सृष्टि का कैपिटल अकाउंट 1712 से क्रेडिट होना चाहिए था जो एक्चुअल में 2000 से क्रेडिट हो गया है, मतलब 288 से डेबिट करेंगे। अब सिंपल डिफरेंट पेन यूज करती हूँ, सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करोगे आप, सृष्टि का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे 288 से, टू मनु का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे 288 से, और नरेशन लिख दोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले ओपनिंग कैपिटल निकाला। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल भी इस क्वेश्चन में निकालना था, बस एक ट्विस्ट ये याद रखना है कि ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त हम प्रॉफिट बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल में क्रेडिट हो चुका है हम डेबिट करते हैं, मतलब माइनस करेंगे, और ड्रॉइंग जो है वो क्लोजिंग कैपिटल में माइनस हो चुकी है तो ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त उसको ऐड करते हैं। इसमें प्रॉफिट का तो वही ट्रीटमेंट हुआ है, क्रेडिट हो चुका है इसलिए डेबिट करना पड़ेगा, माइनस करा है, लेकिन ड्रॉइंग हमने इसमें ऐड नहीं किया बिकॉज वो क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस हुई ही नहीं है। क्यों? ड्रॉइंग का अलग से बैलेंस शीट में बैलेंस दिख रहा है डेबिट वाला, मतलब जब वो कैपिटल अकाउंट में गई ही नहीं है, जब माइनस ही नहीं हुई है तो ऐड क्या करोगे। बस ये ट्विस्ट था जो हमें मार्क में रखना है। फिर तो सिंपल, हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया गलत तरीके से, कैसे प्रॉफिट ट्रांसफर किया है वो निकाल दिया, 5000 डायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर नेट हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाया कि आखिर कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होना चाहिए था, उससे हमारा आ गया कि 3000 कैपिटल में क्रेडिट होने हमने गलत क्रेडिट कर दिए, जबकि एक्चुअल में 1350 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से क्रेडिट होंगे, 2058 प्रॉफिट शेयर नाम से क्रेडिट होंगे, और 120 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होगा। तो नेट कैपिटल कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, 3288 से, जबकि क्रेडिट सिर्फ 3000 से हुए, मतलब 288 से और क्रेडिट करेंगे। वैसे ही सृष्टि का कैपिटल अकाउंट 1712 से क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि हो कितने से गया है 2000 से, ज्यादा क्रेडिट हो गया, इसलिए सृष्टि का कैपिटल अकाउंट 288 से हमने करा डेबिट। ओके, हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन विथ ऑल नोट्स फुल प्रेजेंटेशन। ठीक है, देख लो आंसर। ठीक है, हमने सारे नोट सारी प्रेजेंटेशन बनाई, कोई डाउट है व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। अब क्या सारे तक तो हो ही गए, अब इजी आएंगे जो भी आएंगे या रिपीटेड होंगे। ठीक है, 31 मार्च 2017 को बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ एल्यून मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग वर 80,060 एंड 40। मतलब इससे हमें क्या समझ में आया कि एल्यून मोनू एंड अहमद इनका ये जो 80,000, 60,000, 40,000 ये दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, और इसके अंदर प्रॉफिट का एडजस्टमेंट भी करा है और ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट भी करा है, दोनों का एडजस्टमेंट करा है। प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉफिट का एडजस्टमेंट तो हुआ है पर ड्रॉइंग का नहीं हुआ है, कैसे पता चला? भाई साहब, साफ बैलेंस शीट दी है जिसमें ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस दिख रहा है,
एडजस्ट नहीं हुआ है तभी तो बैलेंसेस दिख रहे हैं, वरना ये सारा बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता तो ड्रॉइंग का कुछ बैलेंस दिखता ही नहीं है ना, क्योंकि ड्रॉइंग टू कैश एंट्री होती है, ठीक है, फिर कैपिटल टू ड्रॉइंग एंट्री होती है, सारी की सारी ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाती है, जो नहीं हुई है तभी तो ड्रॉइंग का बैलेंस दिख रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें नॉर्मल की तरह ही है कि हाँ भाई इस क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट का एडजस्टमेंट भी हो गया है और ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट भी हो गया है, ठीक है, ओके। सब्सिक्वेंटली ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के एडजस्टमेंट्स नहीं करे हैं जो होने चाहिए थे। इंटरेस्ट 5% है कैपिटल पे, ड्रॉइंग कितनी है, एलन की 20, मोनू की 15, अहमद की 9 है और ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 500, 360, 200। नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। सेम टू सेम अभी वाले क्वेश्चन की तरह है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, मैं स्टेप्स बता देती हूँ। पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालो, ठीक है, कैसे निकालोगे, आप सबको आता है। प्रॉफिट जो गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ है, कितना प्रॉफिट है, 1,20,000, 1,20,000 3:2:1 के रेशियो में पार्टनर्स में क्रेडिट हो गया, ये हुआ है तो कैपिटल का बैलेंस जो आ रहा है, जो हुआ है उससे ही आ रहा होगा ना, तो जो प्रॉफिट जितना ट्रांसफर हो गया है उसको डेबिट करो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, मतलब माइनस करो, और ड्रॉइंग इसमें से माइनस करिए तो उसे ऐड करो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि बाबा इसमें ड्रॉइंग भी एडजस्टेड है, हमने बहुत बार ओपनिंग कैपिटल निकाला हुआ है, वैसे ही ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, ठीक है, ओके। तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया बिल्कुल सेम, कि गलत तरीके से ऐसे प्रॉफिट हो गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नोट बनाओगे कि करेक्ट कितना प्रॉफिट जाना चाहिए था, कितना इंटरेस्ट जाना चाहिए था, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होना चाहिए था, तो एक्चुअल में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था और हुआ कितने से, वो जो नेट इफेक्ट आएगा उससे एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। बट इसमें ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट भी क्लोजिंग कैपिटल में होगा, क्योंकि ड्रॉइंग इसमें क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्ट करी है, प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं करी थी, इस क्वेश्चन में करी है, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाते वक्त ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट भी होगा, ठीक है, ओके। हाँ, अब एक बात और ध्यान से समझो बेटा, जो इसमें इसमें जो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है ना, वो भी कौन से अमाउंट से होगा, उस अमाउंट से जो हमने एक्चुअल में करा है। हमने गलती करी है, डायरेक्ट 1,20,000 हमने कर दिए, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट किया, ना ड्रॉइंग एडजस्ट किया, सिर्फ डायरेक्ट जो पीएनएल से 1,20,000 आ रहे हैं हमने सारे पार्टनर्स में बांट दिया। पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का करना चाहिए था, हमने नहीं करा है। तो नहीं करा है ना, तो जो एक्चुअल में आपने किया है उसी से उल्टा होगा, मतलब एक्चुअल में आपने डायरेक्ट ये 1,20,000 पार्टनर्स में बांटे हैं, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में डायरेक्ट ये 1,20,000 गए हैं, उसी से क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है कि नहीं, राइट। 1,20,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दैट मीन्स उनके कैपिटल में आ गए, जिससे उनका क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है। अब आपको अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो जितने से इस कैपिटल को क्रेडिट करा हुआ है उतने से ही डेबिट करोगे, मतलब उसी अमाउंट से तो माइनस करोगे, जितने से आपने प्लस करा है उतने से ही तो माइनस करोगे, ठीक है, ताकि क्या आए हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो आपने प्लस कितने से करा है, ये 1,20,000 का जो शेयर आएगा उससे, तो माइनस भी उसी से होगा ताकि ओपनिंग कैपिटल है। और हम क्यों माइनस करते हैं, हमने बहुत सम्स में सीखा है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाने का रास्ता, ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर भी सब लोग ध्यान देंगे। देखो, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं तब बनता है क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट ऐड कर दिया, बढ़ा दिया, अब मैं आ गई क्लोजिंग कैपिटल पे, ठीक है। अब मुझे क्लोजिंग कैपिटल से मेरे ओपनिंग पे जाना है, तो मैं क्या करूंगी भाई, प्रॉफिट को हटाओ, क्योंकि प्रॉफिट से तुमने कैपिटल बढ़ा दिया है, लेकिन मुझे मेरा ओरिजिनल कैपिटल चाहिए, तो ये बढ़े हुए प्रॉफिट को, जिससे कैपिटल बढ़ रहा है उसको हटा दो, क्या आ गया, ओपनिंग। वैसे ही ड्रॉइंग जो पार्टनर्स ने की है उससे ओपनिंग कैपिटल को मैं कम कर देती हूँ, कम कर देती हूँ, आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल, बिकॉज ड्रॉइंग करी है। पर अब मुझे जाना है मेरा ओरिजिनल कैपिटल कितना था, तो ये जो ड्रॉइंग मैंने माइनस करी है उसको ऐड कर दो, तभी तो मुझे पता चलेगा इनिशियली पार्टनर ने कितना पैसा लगाया। ड्रॉइंग करी है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं उसने जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया है उस पर देती हूँ। ड्रॉइंग तो टेम्परेरी होती है,
वापस दे देगा पैसा, और उसका इंटरेस्ट मैं अलग से पार्टनर से लेती ही हूँ, तो इसीलिए ओपनिंग कैपिटल में मैंने माइनस करके कैपिटल को ड्रॉइंग निकाली है, अब ड्रॉइंग में ऐड कर दूंगी ताकि मैं वापस कहाँ पहुंच जाऊं, मेरे ओपनिंग कैपिटल पे। ये हमने कंसेप्ट में भी समझा है, बहुत सारे इससे पहले के क्वेश्चंस में भी समझा है, फिर भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए अब सारे क्वेश्चंस होमवर्क ही होंगे, बिल्कुल सेम है क्योंकि हम सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं, पढ़ मैं आपके साथ लेती हूँ कि कोई अलग पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, उनका फिक्स्ड कैपिटल दिया है। After the account of their being prepared, it is discovered that interest जो है 5% का in the partnership agreement has not been credited to the capital account before distribution of profit. ठीक है, आपको adjustment entry pass करनी है next year की beginning में। ये पूरा साल end हो गया, हमें ये next year की beginning में adjustment entry pass करनी है। अब देखो इसमें क्या हो गया जी, क्या हो गया 5% का interest, मुझे नहीं पता प्रॉफिट कितना आ रहा था, मुझे नहीं पता कि प्रॉफिट इसमें प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन क्या दिया है, फिक्स्ड कैपिटल दिया है 40,000 और 80,000, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, फिक्स्ड कैपिटल दिया है। मैंने बताया था जब भी करंट अकाउंट मेंटेन होता है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, मतलब जो कैपिटल का बैलेंस होता है उस पर डायरेक्ट रेट अप्लाई करके आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ चुके हैं अपन कंसेप्ट वीडियो में, कितना रेट है 5%, 40,000 का 5% 2,000 है ना, ठीक है। मतलब ये पार्टनर कौन है, आजाद एंड बेनी, बहुत इजी क्वेश्चन है ध्यान से सुनना। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से आजाद का कैपिटल अकाउंट 2,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, 4,000 से बेनी का, है कि नहीं। कैपिटल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2,000 और 4,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से आजाद का कैपिटल अकाउंट 2,000 से क्रेडिट होगा, बेनी का कैपिटल अकाउंट 4,000 से क्रेडिट होगा। ओके, होना चाहिए था ये, ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ है। दैट मीन्स क्या, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें ये 6,000 रुपए डेबिट नहीं हुए, है ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या करते थे, जो प्रॉफिट आता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते थे क्योंकि पार्टनर्स को देते थे। मतलब ये 6,000 डेबिट नहीं हुए, कितना भी प्रॉफिट आए, यहाँ पे एक्स मान लो कितना भी प्रॉफिट आए, इसमें से 6,000 डेबिट नहीं हुए, मतलब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया। जबकि जितना भी प्रॉफिट आया है उसमें से 6,000 पहले हटाओ, बिकॉज ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटना चाहिए था ना, लेकिन पूरा प्रॉफिट बट गया। मतलब ये जो 6,000 रुपए हैं, जो 2,000 ए का इंटरेस्ट है, बी का इंटरेस्ट है 4,000, ये 6,000 भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। समझ रहे हो बात को, देखो ध्यान से, आजाद को 2,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 4,000 का मिलना चाहिए था बेनी को, ठीक है। अगर ये मिलता, ये एंट्री होती, तो हम क्या करते, पीएनएल अकाउंट से जितना भी प्रॉफिट आता हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाते हैं क्रेडिट, हम 2,000 और 4,000 को क्या करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डेबिट करते, इस नाम से डेबिट करते। तो जब हम पीएनएल से मान लो 10,000 का प्रॉफिट है, 2 और 4, 6,000 डेबिट किए, तो कितना बैलेंस बच गया 4,000, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटता, ठीक है। चलो मैं नंबर से समझाती हूँ आप लोग को, आ जाओ, इजी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती किसी का भी कंसेप्ट में डाउट रह जाए। चलो आ जाओ, ठीक है, देखो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, ध्यान से समझना पर। ये मान लो 10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट मैं पीएनएल से उठा के लेके आई, तो अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया होता 6,000 रुपए, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट बचता 4,000 का, जो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इक्वल है, मतलब इक्वली बटता। तो पार्टनर्स को ये जो बैलेंस प्रॉफिट है 10,000 में से इंटरेस्ट कैपिटल माइनस करने के बाद ये जो बैलेंस प्रॉफिट है ये बढ़ता इक्वली,
बिकॉज इक्वल पार्टनर्स है, और ये जो 6,000 है वो कैसे बटे हैं, वो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बटे हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। लेकिन अब हो क्या गया है, हो ये गया है कि प्रॉफिट तो 10,000 का ही है, मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, लेकिन उसमें से 6,000 रुपए डेबिट करे ही नहीं बाबा। 6,000 जब डेबिट ही नहीं करे, मतलब ये पूरे के पूरे 10,000 ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गए, मतलब इक्वली बढ़ गए। अब इसमें से देखो, 4,000 तो ठीक है, वैसे भी इक्वली बटने चाहिए थे, वो ठीक है, लेकिन ये जो 6,000 है ये तो गलत बट गए, बिकॉज ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के है, तो ये तो इंटरेस्ट के नाम से मिलने चाहिए थे, जितना जिस पार्टनर का जितना इंटरेस्ट बन रहा है उतने मिलने चाहिए थे, बट ये 6,000 कैसे बट गए, हाय हाय, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गए। बटने कैसे चाहिए थे, जितना पार्टनर का जिस पार्टनर का जितना इंटरेस्ट बन रहा है उस रेशियो में, बट कैसे गए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, ठीक है, चलो अब क्या, पूरी सम की तो दम निकाल दी मैंने, अब क्या बचा है सम में, आ जाओ। अब क्या करना है, फटाक से एक टेबल बनाओ, पर्टिकुलर लिखो, आजाद लिखो, बैनी लिखो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे इंटरेस्ट एडजस्टेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए था। तो ए को कैपिटल 2,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, बी का कैपिटल 4,000 से, है ना, क्योंकि ए को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, 2,000 से, तो वो सारा का सारा ए के कैपिटल अकाउंट में जाता। तो ए का कैपिटल अकाउंट 2,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, बी का कैपिटल अकाउंट 4,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन रॉन्ग ट्रीटमेंट, गलत क्या कर दिया है, ये जो 6,000 रुपए है इंटरेस्ट में डेबिट करे ही नहीं, इंटरेस्ट के नाम से दिखाया ही नहीं, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट ही नहीं हुआ, मतलब सारा का सारा प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया। इसका मतलब ये जो 6,000 रुपए हैं ये डेबिट नहीं हुए, मतलब ये 6,000 रुपए भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस केस में क्या है, इक्वल, मतलब 3,000 3,000 इक्वल बढ़ गए, मतलब ये 3,000 आजाद के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए, 3,000 बेनी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए, हो गया एडजस्टमेंट। आजाद का कैपिटल अकाउंट तो भाई सिर्फ 2,000 से क्रेडिट होना चाहिए था एज इंटरेस्ट, लेकिन उसका कैपिटल अकाउंट 3,000 प्रॉफिट के नाम से क्रेडिट हो गया, मतलब 1,000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट हो गया। और बेनी का कैपिटल अकाउंट 4,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, उसे 4,000 का इंटरेस्ट मिलता तो उसका कैपिटल अकाउंट 4,000 से क्रेडिट होता, हमने इंटरेस्ट दिखाया नहीं तो ये एज प्रॉफिट दिख रहा है। अब प्रॉफिट जब बेनी को बटा, इक्वल बटा, तो उसका कैपिटल अकाउंट सिर्फ 3,000 से क्रेडिट हुआ, मतलब गलत क्रेडिट हुआ है, कम क्रेडिट हुआ है, ये हो जाएगा 1,000 से क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी, आजाद कैपिटल अकाउंट टू बेनी कैपिटल अकाउंट, आजाद का कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपए से डेबिट कर दिया, बेनी का कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, सिंपल। ओके, क्लियर जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, बैलेंस उनका कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ है, ठीक है। इन अराइविंग एट दिस फिगर, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटिंग टू 24,000 हैड बीन क्रेडिट टू पार्टनर इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर्ड द प्रॉफिट, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग जो है वो इतनी है, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया, हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। ओके ओके ओके, पार्टनर्स द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट इतना है, सेम टू सेम क्वेश्चन, इन अराइविंग एट दिस फिगर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2017 अमाउंटिंग टू रुपीज 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड इन प्रोपोर्शन विद द शेयर्ड प्रॉफिट, ठीक है 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 ओके ओके। इसका मतलब है ये जो बैलेंस दिया है ये क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल से पहले निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, कैसे निकालोगे, ये जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है 24,000 रुपए, साफ साफ लिखा है क्रेडिट हुआ है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेते हैं, मतलब ये 8,000 8,000 8,000 ये इक्वली बट गए हैं, ठीक है। मतलब 8,000 इसमें से माइनस करोगे, जो ड्रॉइंग है वो एड करोगे,
ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। फिर तो पूरा क्वेश्चन सेम है जो हमने करा था ना, वाला बैलेंस शीट वाला। एक सेकेंड, 39th, बिल्कुल वैसा ही है ना, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है ये। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। किसी को दिक्कत आ रही है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, पर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, जो गलत हुआ है वो लिखना है, जो सही होना चाहिए था वो लिखना है, नेट इफेक्ट लिखना है, गलत क्या हो गया वो लिखो, सही क्या क्या होना चाहिए था वो लिखो, तो पता चल जाएगा गलत अमाउंट से कितना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, सही अमाउंट से कितना क्रेडिट होना चाहिए था, जो डिफरेंस है उससे एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना 43rd क्वेश्चन। 43rd क्या दिया है, अंजू मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स, वाह इनके तो फिक्स कैपिटल दिया है। फिक्स कैपिटल का मतलब ये फिक्स मेथड यूज हुआ है, इस पर डायरेक्ट रेट अप्लाई हो सकता है इंटरेस्ट का, कुछ भी करना नहीं है इसमें एडजस्टमेंट। ठीक है, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अरे यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था बट एंट्री हुई नहीं है, पिछले 3 साल में एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, हर साल का अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है 4th ईयर की बिगनिंग में। ये 3 साल है, 1, 2, 3, ठीक है, 3 साल से गलत होता जा रहा है। अब ये तीनों सालों का इफेक्ट, तीनों सालों को सही करना है, और इसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो 4th ईयर में उसकी एंट्री पास करनी है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो कैसे होगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझ लो, करना आपको होमवर्क में ही है क्योंकि बहुत सिंपल है, लेकिन मैं समझाऊंगी तो सही ना कैसे करना है। ठीक है, देखो क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10,000 का 5, 10,000, 8,000, 6,000, फिक्स कैपिटल है मतलब इस पर डायरेक्ट रेट अप्लाई होगा, इसका इंटरेस्ट बनेगा 500, इसका इंटरेस्ट बनेगा 400, इसका इंटरेस्ट बनेगा 300, कितना हो गया ये 1200 का टोटल इंटरेस्ट हो गया, है ना, यही हुआ ना बच्चा, हाँ 1200 का। तो क्या हुआ होगा, देखो पहले साल क्या हुआ होगा, मतलब 16 में क्या हुआ होगा, ये 1200 रुपए इंटरेस्ट के नाम से नहीं करे आपने, ठीक है, मतलब 500, 400, 300 नहीं करा आपने, क्या किया, इस 1200 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया होगा। जब इंटरेस्ट नहीं दिखाया है मतलब प्रॉफिट में से डेबिट नहीं हुई है ये चीज, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आ रहा है, मतलब ये 1200 रुपए भी एज प्रॉफिट आ रहा है, तो आपने कैसे बांटा होगा उनके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, समझे, टेबल बना देते हैं अपन, है ना। एक सेकंड मैं, लेकिन इसका मुझे रेशियो यहीं पे बनाऊं मैं, तीनों साल का रेशियो अलग अलग है ना बेटा, 1200 तो आ रहा है, यहीं पे कर लूं मैं इसको, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ना, 4, 3, 5 मैं दिखा देती हूँ, लेकिन सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक है, पर्टिकुलर्स, अंजू मंजू ममता, पहला पॉइंट लिखेंगे करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था। करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए था कि इसका जो इसको मिलने चाहिए थे 16, 17, 18 इंटरेस्ट के नाम से मिलते, तो अंजू को तीनों ही साल 500 रुपए मिलते हैं एज इंटरेस्ट के नाम से, मंजू को 400, 400, 400 मिलते हैं एज इंटरेस्ट के नाम से, और ममता को 300, 300, 300 मिलते हैं एज इंटरेस्ट के नाम से, लेकिन रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या हो गया ध्यान से देखना। 16, 17, 18 तीनों साल में, मतलब पहले साल ये जो 1200 रुपए हैं वो 4:3:5 मतलब 12, 1200 है ना, ओके, मतलब देखो 1200 रुपए पहले साल चाहे दूसरा साल चाहे तीसरा साल इंटरेस्ट सेम होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल सेम रहती है। ठीक है, और हमें और कुछ दिया भी नहीं हुआ है, तो हम इसी कैपिटल पे इंटरेस्ट मानेंगे और मानेंगे ये तीनों साल में सेम है। ठीक है, 1200 रुपए पहले साल आ गया 16 पे, क्या गलत कर दिया भाई, 500, 400 और 300 मिलना चाहिए था, नहीं दिखाया, इंटरेस्ट डेबिट ही नहीं हुआ है, तो जब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट डेबिट नहीं हुआ दैट मींस कि पूरा का पूरा प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब ये 1200 रुपए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरह बट गए, जबकि बटने कैसे चाहिए थे एज इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट डेबिट नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा ना, तो कैसे बांट दिया इन्होंने, 4:3:5 के रेशियो में, मतलब
400, 300 और 500 के रेशियो में। फिर 17 में फिर गलती कर दी, 1200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नहीं करा डेबिट, तो डेबिट नहीं करा मतलब ये पूरा का पूरा एज प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट की तरह दिख रहा है, मतलब फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा कैसे, 3:2:1, 2:1:3:6 मतलब 200, हाँ 600, 400, 200 ऐसे बांट दिया, ठीक है। ओके मैं दिखाती हूँ अभी बेटा, पूरा का पूरा सम दिखा रही हूँ आप लोग को, टेंशन मत लो, ठीक है। अब 18 में 1200 रुपए एज इंटरेस्ट बटना चाहिए था, फिर गलती कर दी, फिर नहीं बांटा, पागल लोग। फिर अगर नहीं डेबिट किया मतलब कैसे दिख रहा है वो, एज प्रॉफिट, प्रॉफिट दिख रहा है तो कैसे बट गया होगा, एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस साल क्या प्रॉफिट है, इक्वल 1:1:1 मतलब 400 400 400। अब आ जाओ ध्यान से देखो, सबको विजिबल है पूरा, ठीक है। तो मतलब 16th में क्या किया है, 400 से क्रेडिट किया है अंजू का कैपिटल, 17 में 600 से, 18 में 400 से, मतलब 1400 से क्रेडिट हो गया, जबकि एक्चुअल में इंटरेस्ट के नाम से 1500 से क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है। मंजू का कैपिटल 800 1100 कैसे क्रेडिट हो गया है, जबकि एक्चुअल में 1200 से क्रेडिट होना चाहिए था एज इंटरेस्ट, ठीक है। और ममता का कैपिटल अगेन 1100 से क्रेडिट हो गया है एज प्रॉफिट, जबकि 900 से क्रेडिट होना चाहिए था एज इंटरेस्ट। मतलब बेचारे अंजू को जहां 1500 क्रेडिट होने चाहिए थे, सिर्फ 1400 क्रेडिट हुए हैं, दैट मीन्स 100 रुपए और क्रेडिट करने पड़ेंगे। मंजू को जहां 1200 क्रेडिट होने चाहिए थे, सिर्फ 1100 क्रेडिट हुए, दैट मीन्स मंजू के भी 100 रुपए और क्रेडिट हुएंगे, ठीक है। लेकिन ममता का जहां 900 से क्रेडिट होना चाहिए था, वहां 1100 से क्रेडिट हो गया, ज्यादा क्रेडिट हो गया, मतलब ममता के 200 डेबिट होंगे। तो एंट्री क्या होगी, ममता कैपिटल अकाउंट 200, टू अंजू कैपिटल अकाउंट 100, टू मंजू कैपिटल अकाउंट 100। ममता के कैपिटल अकाउंट को 200 से कम करना है तो कर दिया डेबिट, अंजू का कैपिटल अकाउंट 100 से बढ़ाना है तो कर दिया क्रेडिट, फिर मंजू का कैपिटल अकाउंट भी 100 से बढ़ाना है तो कर दिया क्रेडिट। सिंपल हो गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। ओके किसी को कोई भी डाउट है, हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं। किसी को इस चैप्टर के किसी भी कंसेप्ट या क्वेश्चन में डाउट है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन वाला। ओके थैंक यू एवरीवन, ओके बाय बाय।